सुप्रभात बच्चों, पाठ 7 सर्वनाम, कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, इसकी परिभाषा को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों जैसे मैं बोलती हूँ कि तुषार स्कूल जाता है, देखिए तुषार स्कूल जाता है, तो ये तुषार क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है और इसके स्थान पर मैं प्रयोग कर रही हूं वह स्कूल जाता है, तो वह क्या है हमारा, ये हमारा सर्वनाम है। समझ में आया आपको, मैंने यहां पे लिखा है राम स्कूल जाता है, तो राम क्या है हमारा संज्ञा है और इसके सामने मैं क्या प्रयोग करती हूँ, वह स्कूल जाता है, तो ये क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया हमारा। सीमा खाना बना रही है, तो सीमा क्या है, संज्ञा शब्द है और इसकी जगह मैं बोलती हूँ वह खाना बना रही है, तो क्या हो गया, सीमा की जगह मैंने क्या प्रयोग किया, वह खाना बना रही है, तो वह जो शब्द है हमारा वो सर्वनाम है। समझ में आ रहा है ना आपको। शिवानी एक गायिका है, तो शिवानी क्या है, संज्ञा है और इसकी जगह मैं बोल रही हूँ वह एक गायिका है, तो ये जो वह मैंने यूज प्रयोग किया है तो ये क्या है हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम। अक्षित का लड़का बाजार जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर अक्षित क्या है हमारा, संज्ञा है। अगर मैं इसकी जगह अक्षित ना बोल करके ये बोलूं उसका लड़का बाजार जा रहा है, तो अक्षित की जगह मैंने क्या बोला, उसका, जो मैंने उसका जो मैंने प्रयोग किया है वो क्या है हमारा सर्वनाम। सो ये देखो मैंने लिखा है सर्वनाम शब्द, यह, ये, वह, वे, इसे, इसका, खाली वह शब्द ही हमारा सर्वनाम नहीं होता है, इसके अलावा और भी अन्य शब्द होते हैं, जैसे कि मैंने बोला यह, ये, वह, वे, इसे, इसका, ये क्या है, ये भी सर्वनाम है। समझ में आ रहा है आपको। अब है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनमें है सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए कि मैंने अपना काम कर लिया है, यहाँ पर जो ये मैंने शब्द है ये क्या है, बोल रहा है ना कि मैं ये काम कर चुका हूँ, तुम अपना काम कर चुके, तो वो प्रश्न पूछ रहा है कि तुमने ये काम कर लिया, तो ये क्या हो गया, वो सुन रहा है, दूसरे को बोल रहा है ना वो, तो यहाँ पे जो तुम है वो क्या है, सुनने वाले के लिए, और तीसरा है अन्य व्यक्ति के लिए कि वह अपना काम कर रहा है, कौन, अन्य व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है कि वह अपना काम कर रहा है, तो ये जो वह क्या है हमारा अन्य व्यक्ति है, तो ये मैंने, तुम और वह, ये हमारे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि मैंने बोला यह घर, यह क्या बता रहा है कि निश्चित है यह मेरा अपना घर है, वह व्यक्ति, तो इसे हमें क्या पहचान पता चल रही है कि वह व्यक्ति हमारा है, वह व्यक्ति है, तो ये क्या निश्चित है कि वह व्यक्ति, वह शब्द, यह शब्द, इसने, उसने, ये शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, जिनसे हमें निश्चित नहीं पता चलता, वे हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बोला देखो कि कोई इधर आ रहा है,
तो हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है, हमारा वो अनिश्चित है। तो यहाँ पे जो कोई वर्ड है, कोई जो शब्द लिखा है मैंने यहाँ पे, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूर में कुछ पड़ा हुआ है कि दूर में कुछ गिर गया है, हो सकता है मच्छर हो, तो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर कुछ क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का काम करते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे घर कौन आया, हमने प्रश्न पूछा कि तुम्हारे घर कौन आया, तो यहाँ पर जो क्या लिखा है, मैंने कौन लिखा है, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कहाँ गया, हमने प्रश्न पूछा कहाँ, तो ये जो कहाँ शब्द है वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों, वे सर्वनाम शब्द जो कि वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े हुए होते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखो जिसकी यानी जिसके पास शक्ति है उसका बोलबाला होता है, या जिसकी जिसकी से क्या जुड़ा हुआ है, उसकी जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे क्या है, संबंध हो रहा है यहाँ पे, जिसकी और उसकी हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, देखिए बच्चों यहाँ पर जैसा यानी कि आप जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, तो जैसा किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंध बता रहा है, वैसा से, तो ये जैसा और वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम जो शब्द काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखो आप कि मैं स्वयं पत्र लिख दूंगा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि मैं स्वयं यानी कि अपने आप, जब अपने आप के बारे में बात की जाती है, खुद के बारे में बात की जाती है, तो वो कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे तुम अपने आप सामान उठा लो, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, तुम खुद कर लो जो करना है, खुद उठाओ सामान, तो अपने आप ये जो शब्द है वो क्या बता रहा है हमें कि निजवाचक सर्वनाम है। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।